मेरे इस छोटे से अनार के पौधे में कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। ये एक 2 साल पुराना सुपर भगुआ वैरायटी का अनार का पौधा है और इस पौधे में जितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है इसको देख के तो मैं काफी खुश हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगा आप किस तरीके से अनार के पौधे को पॉट में ग्रो कर सकते हैं और अपने पौधे से कुछ इस तरीके से ही ढेर सारे अनार पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे अनार के पौधे में कितना अच्छा फ्रूट्स का सेटिंग हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह पहला अनार, इसके बाद यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक छोटा सा अनार सेट हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर आप कितने सारे अनार यहाँ पर सेट हुआ है वो भी देख सकते हैं। मेरा जो पौधा है वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है और इस छोटे से पौधे में ही 8 अनार सेट हुआ है, ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। आप देखते हैं इस पौधे का केयर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले ही हम बात करते हैं पोमोग्रेनेट यानी अनार के पौधे का सॉयल मिक्स के बारे में। इस पौधे का सॉयल मिक्स एक बहुत ही वाइटल चीज है क्योंकि इस पौधे को एक ऐसा मिट्टी चाहिए जिसमें ना तो पानी जमे और ना ही मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाए, क्योंकि सूखे मिट्टी से इस पौधे में कई सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रूट क्रैकिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग। और अगर इस पौधे में काफी ज्यादा पानी जम जाए तो इस पौधे में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, पौधे का रूट डैमेज होके पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। इसीलिए इस पौधे का सॉइल मिक्स बनाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि आपके पौधे में बिल्कुल भी पानी ना जमे और इसके साथ साथ मिट्टी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहे। इस पौधे का सॉइल मिक्स बनाने के लिए आप 40% बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल ले लीजिए। इसके साथ आप लीजिए 30% कोकोपीट। कोकोपीट के बदले आप चाहे तो राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ आप लीजिए 30% कंपोस्ट। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लीजिए और आपके पौधे को इस सॉइल मिक्स में ग्रो कीजिए। आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, आप कभी भी छोटे पौधे को डायरेक्टली इतने बड़े पॉट में ग्रो ना करें। सबसे पहले ही आप अपने पौधे को मैक्सिमम 12 से 14 इंच के पॉट में ग्रो करें। एक साल आपका पौधा उस पॉट में ही रहेगा। उसके बाद आपके पौधे को रिपोर्टिंग करके एक बड़ा सा गमला या फिर इस तरह के थर्मोकोल के फिश बॉक्स में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पोमोग्रेनेट के पौधे को बड़ा पॉट ही चाहिए होता है। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे को ग्रो करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पौधे को कहाँ पर ग्रो करना है इसके बारे में। पोमोग्रेनेट एक फल का पौधा है और फल के पौधे को बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होता है जो कि पौधे को सनलाइट से मिलता है। इसीलिए आपके पौधे को एक ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिले, तभी आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। जैसा कि पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, पानी इस पौधे के लिए एक बहुत ही वाइटल चीज है। इसीलिए एक बार पौधे में भरपूर पानी देने के बाद जब तक पौधे का मिट्टी ऊपर से हल्का हल्का ड्राई ना होने लगे तब तक आप दोबारा पानी आपके पौधे में मत दीजिएगा। जब आप नोटिस करें पौधे का मिट्टी ऊपर से सूखने लगा है तब आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरी मिट्टी को ही गीला कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से आपके पौधे में पानी देंगे तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर के बारे में तो मैं अपने सभी पौधे की तरह इस पौधे में भी ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ।
ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने पहले ही एक डिजिटल वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख के आप ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर को बना सकते हैं और अपने सभी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों के पौधे के लिए ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर ही बेस्ट होता है। इसके साथ साथ अनार यानी प्रोमेग्रेनेट पौधे के लिए बोरोमिक काफी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसीलिए जब भी आप नोटिस करें आपके पौधे में कुछ इस तरीके से छोटा सा फ्लावर बड आ रहा है, तब आप आपके पौधे के मिट्टी में या तो पानी के साथ बोरोन मिला के इस्तेमाल कीजिए या फिर बोरोन का स्प्रे अपने पौधे में कर दीजिए। बस एक बार बोरोन का इस्तेमाल करने से ही आपके पौधे में बोरोन का डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगा। अगली बार जब आपके पौधे में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो तब आप फिर से बोरोन का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करें तो आपके पौधे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पोमोग्रेनेट का पौधा जब तक थोड़ा सा मैच्योर ना हो जाए तब तक इस पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग हमें देखने को नहीं मिलता। अगर फ्रूट सेट हो भी जाए तो भी वो कई बार झड़ जाते हैं। इससे आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस आपके पौधे को मैक्सिमम 2 साल का टाइम दीजिए, उतना टाइम में ही आपका पौधा अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करने लगेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे 2 साल के पौधे में कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। लेकिन इससे पहले मेरे पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग हमें देखने को नहीं मिला था। 1 साल उम्र में इस पौधे में 2 फल आए थे, लेकिन बाद में फंगस की वजह से वो फल भी खराब हो गए थे। तो देखा जाए इस पौधे का पहला फ्रूटिंग ही है और पहली बार में ही कितना अच्छा फ्रूटिंग हमें देखने को मिला है वो तो आप देख ही सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा आपके पौधों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो पौधा ही कह देगा। पोमोग्रेनेट के पौधे में फ्रूट सेटिंग होने के बाद आप फ्रूट्स को कुछ इस तरीके से फ्रूट बैग से कवर कर दीजिए। इससे इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा और आपका फल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।